हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आपके स्मार्ट टीवी के अंदर ओटीटी प्ले एंड्रॉयड टीवी वर्क नहीं कर रहा है, जब आप लॉन्च करने के लिए जाते हो, यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर वो एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होता है, या फिर वो लॉन्च होता है और एकदम ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, या फिर जब आप यहाँ पर लॉन्च करते हो तो कुछ एरर आपको शो होता है, तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो टीवी है उसकी सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है। हो सकता है आपका यहाँ पर सेटिंग्स यहाँ राइट में दिखे या फिर वो लेफ्ट में दिखे, तो आपको क्या करना है, आपके टीवी की सेटिंग्स में जाना है। बस सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको एक एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। हो सकता है आपके टीवी के अंदर एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड या फिर मैनेज एप्लीकेशन या फिर कोई अदर ऑप्शन मिले, जस्ट आपको जहाँ पर आपका ये एप्स इंस्टॉल्ड होता है उसके लिस्ट आपको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगा, आपको जस्ट नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर सी ऑल एप्स कर देना है। अगर यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है तो जस्ट आपको सी ऑल पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो ओटीटी एप्स है यहाँ पर फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पर वो दिख जाएगा जहाँ पर ये इंस्टॉल्ड है, आपको जस्ट ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉर स्टॉप का, जस्ट क्लिक कर दीजिए और ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ क्लियर कैसे का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। ये कुछ कुकीज होती हैं, कुछ अनवांटेड फाइल होती हैं जो हम लोगों को नहीं चाहिए होती अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लियर डेटा का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, जब आप इसको ओके करते हो तो जो ओटीटी प्ले पर जो आपने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा था पहले, तो क्या होगा, वो साइन आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वो अकाउंट। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ पर उसको वापस से लॉगिन कर लेना है जब ये एप्लीकेशन आपका लॉन्च हो जाएगा, बस इतना करना है आपको। आपका परमानेंट डिलीट नहीं होगा, जस्ट साइन आउट हो जाता है यहाँ पर, ये ऑप्शन करने के बाद आपको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है और आपका जो एप्लीकेशन है एक बार आपको लॉन्च करके देखना है। ठीक है, अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका जो टीवी है वहाँ पर प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर की तरफ, आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च पर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है OTT। तो यहाँ पर O, तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो गया। आप यहाँ पर ये HD सेम नेम टाइप कर सकते हो फुल। ठीक है, मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो हमारा एप्लीकेशन था यहाँ पर वो दिख रहा है, आपको मोर इन्फो पर जाना है। ठीक है, मोर इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, अनइंस्टॉल एंड ओपन का। तो जस्ट आपको क्या करना है, एक बार ये एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, और इसको हम लोग वापस से रीइंस्टॉल करेंगे, ओके कर दीजिए। ठीक है, तो आपका एक बार एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो चुका है, अभी वापस से यहाँ पर इंस्टॉल का बटन दिख जाएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है आपको वापस से। सो गाइज, देखिए यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन था वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो या फिर आपने जहाँ पर ये एप्लीकेशन आपने रखा है, जहाँ पर आपका ये सभी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ से भी आप लॉन्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर दूँगा, लॉन्च कर दूँगा इसको, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन था अभी क्लोज नहीं हुआ है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता था या फिर लॉन्च ही नहीं होता था। तो देखिए यहाँ पर वो अभी लॉन्च हो चुका है, आपको जस्ट आपका जो नंबर था जहाँ ये डाला हुआ था जो आपने पहले, जस्ट आपको रीसाइन इन कर लेना है इसके ऊपर।
ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके टीवी के अंदर OTT प्ले एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, उसको आपको कैसे ठीक करना है, कैसे प्रॉब्लम आपको फिक्स करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।